से जुड़ा हुआ मामला, मार्च में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी, एक बड़ी खबर। तैयारी में जुटे शिक्षा विभाग के अधिकारी, तो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि तीसरे चरण के शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ मसला, मार्च महीने में ही तीसरे चरण के लिए परीक्षा होगी और शिक्षा विभाग के अधिकारी इस परीक्षा को सफल तरीके से कराने की तैयारी में जुड़ गए हैं। तो इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है, जहां पर तैयारियों में जुट गया है शिक्षा विभाग और तीसरे चरण की बहाली, शिक्षक बहाली से जुड़ा हुआ यह मामला, मार्च में परीक्षा होगी और मार्च में जब परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी में ही जुट जाने का निर्देश भी जारी किया है और ऐसे में जो शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तैयारियों में जुट गए हैं ताकि तीसरे चरण के लिए होने वाली मार्च में परीक्षा को सही तरीके से अंजाम तक पहुंचाया जाए। रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर। रजनीश, सरकार में इस बात एनडीए की सरकार है और परीक्षा मार्च में ही होगी और कुल मिलाकर जो ये कहा जा रहा है कि हमने भर्तियां करवाई, हमने रोजगार पैदा किया, हमने रोजगार का सृजन किया, ऐसे में अब जो कदम उठाए जा रहे हैं, तीसरे चरण की जो बहाली की प्रक्रिया शुरू हो रही है और सरकार पूरी रफ्तार में है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज पहला ही दिन है एनडीए की सरकार का और पहले दिन ही बड़ा एक्शन, यानी जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है हमारे पास कि अब अगस्त की बजाय अब मार्च महीने में ही जो है अब इसी साल तीसरे फिर शिक्षक बहाली परीक्षा ली जाएगी। यानी शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है और सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी को यह आदेश दे दिया गया है कि जो भी रिक्तियां हैं उसे आप 10 फरवरी तक शिक्षा विभाग को भेज दें ताकि 15 फरवरी तक यानी आचार संहिता लगने से पहले विज्ञापन जारी हो सके और मार्च में परीक्षा लिया जा सके। बता दें आपको कि 14,762 पदों पर शिक्षा विभाग ने बीपीएससी को रिक्तियां भेजी थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, लेकिन कुछ दिन पहले सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो रिक्तियां हैं शिक्षा विभाग ने वापस ले लिया और रिजल्ट पर रोक लगा दी, जिसके बाद ये कयास लगाया जा रहा था। लेकिन आज सरकार बनते ही पहले ही दिन जो है ये खबर आ रही है कि अब शिक्षा विभाग अगस्त की बजाय मार्च में ही अब TRE 3 यानी शिक्षक बहाली फेज 3 की परीक्षा लेगी और लाखों की संख्या में जो इंतजार में अभ्यर्थी थे उन्हें फिर से मौका मिलेगा शिक्षक बनने का। विवेक, बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश तमाम जानकारियों के लिए। सरकार बनते ही अब एक के बाद एक निर्देश जारी किए जा रहे हैं, 10 फरवरी तक मांगी गई रिक्तियां और सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि अब बहाली की प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, परीक्षाएं होंगी और शिक्षा विभाग जुट गया है।